अच्छा जी, फाइनली मैं ईरान पहुंच चुका हूँ। ये हमारा होटल है, ठीक है। ये रूम लिया है हमने, ये एसी वगैरह, ये बेड वगैरह बनाए हुए हैं, ये कवर्ड्स वगैरह और ये चीज़ें हैं। अब हम नाश्ता वगैरह करेंगे, ठीक है। तो रात को स्टे किया यहाँ पे, अभी थकावट थोड़ी सी दूर हुई थी तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर करता हूँ। ये नाश्ता है हमारा खाने के लिए, ये आंडा प्याज है, चाय, मायोनीज, केचप्स, ये इधर के नान हैं, बहुत भारी वाले नान हैं, पता नहीं खाए जाते हैं कि नहीं। और ये है खतीजा, ठीक है। फाइनली हम इधर पहुंच चुके थे, अब हम नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। ये हमारा होटल्स है, दिखाया भी है आपको। तो ये व्लॉग हम इधर पहुंच गए हैं मशहद में, तो इंशाल्लाह आपको ज़्यारत भी करवाते हैं हरम की। और आप सब दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआगो हैं, ठीक है। अल्लाह पाक आपकी परेशानी दूर करे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। फाइनली जी, होटल से मैं निकल रहा हूँ, अब जा रहे हैं ज़्यारात पे, तो आपको भी ज़्यारत करवाते हैं, चले मेरे साथ। अच्छा यार, मुझे याद नहीं रहा, मैंने ना करेंसी चेंज करवानी थी, तो मेरे पास अभी पाकिस्तानी ये 1,000 रुपये, 1,000 रुपये के कितने पैसे मिलते हैं ये आपको बताते हैं। ये ईरान में ये हज़ारों में नहीं है, ये लाखों में मिलते हैं 1,000 रुपये के, ठीक है। तो चेक करते हैं इधर से मिलते हैं कि नहीं ये करेंसी। ये शॉप तो आई है यहाँ पे, ये रोटियाँ वगैरह होती हैं ऐसी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, हाउ आर यू? इनको ना मेरी समझ नहीं आनी, करेंसी चेंज करवानी थी। चेंज? हाँ, आगे वो शॉप इधर वाली। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। इनको मेरी समझ नहीं आती, ठीक है, तो हम इधर से पूछते हैं। ये जी, मैंने 1,000 रुपये दिए, अब मुझे देखते हैं कितने मिलते हैं पैसे। ये कितने हैं? 1,35,000। 1,35,000। ये कितने तुम्हें? 50,000। ये करेंसी खराब है, ये करेंसी खराब दी है। वेट करो, मैं करता हूँ। ली जी, ये नोट्स वगैरह मैंने ले ली हैं, इन पे ज़ीरो देख लें आप कितनी बनती हैं, ठीक है। ये तकरीबन 1,35,000 रुपये मिले हैं मुझे ईरानी, ठीक है, 1,000 पाकिस्तानी में। अब ये पॉकेट में डालते हैं हम। ये यहाँ की ट्रैफिक चल रही है यहाँ पे, पाकिस्तान वाला उल्टा सिस्टम है, ये वाला सीधा सिस्टम है। मुझे इधर इधर देखनी पड़ रही है बार बार। और सामने हरम पाक है, वहाँ पे आपको सलाम करवाते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये सारी बाउंड्री हरम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम की बाउंड्री है। और ये आपको मैं दिखाना इसलिए चाह रहा था कि ये ऊपर सारा मज़ार बना हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये नीचे पूरे शहर की ट्रैफिक से चल रहा है निज़ाम, ये देख सकते हैं आप। ये बेसमेंट बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हरम पाक के नीचे से सारी ट्रैफिक गुजरती है पूरे शहर की। और वो हरम पाक है हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, इमाम रज़ा बादशाह का। बहुत ज़्यादा रश है अभी, तो अंदर चलते हैं, यहाँ से चेकिंग वगैरह करवाते हैं और अंदर चलते हैं, शुरू होते हैं। यहाँ पे सीधा मैं सलाम करने आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए भी सलाम करते हैं और अपने लिए भी सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैका या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, अल्लाह का हमारा सलाम कबूल फरमाए और आपका भी सलाम कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैका या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह रश बहुत था, तो फिर मैंने सलाम हज़री को हाथ लगा के फिर बाहर से भी सलाम पेश कर दिया कि अल्लाह पाक हमारा सलाम कबूल फरमाए। माशाल्लाह जी, ये मौला अली रज़ा बादशाह का सहन है, मुबारक है, बहुत खूबसूरत फनूस वगैरह लगे हुए हैं, सारा ही शीशे का काम हुआ हुआ है अंदर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। माशाल्लाह इतने महंगे महंगे फनूस और इतने खूबसूरत फनूस हैं यहाँ पे, माशाल्लाह। ये सहन है मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, बहुत खूबसूरत और बड़ा सहन है माशाल्लाह। वो बहुत है पर इधर मौसम ठंडा है, समय मतलब कि इतनी धूप नहीं लग रही। ये सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ,
शुक्र ये सिस्टम माशाल्लाह बहुत प्यारे लगे मेरे इधर मौला खान में। अरे तो मैंने कहा चलो यार पानी वाली एक बोतल लेता जाऊँ। फाइनली जी नेक्स्ट डे खतीजा की बहुत तबीयत ख़राब थी तो इसको मैं अब लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ट्रैवल से बहुत थक गई थी खतीजा तो मैंने कहा चलो आज खतीजा को लेके जाते हैं, रोज़े की ज्यारत करवाते हैं और ख़ुद भी करते हैं जाके दोबारा। हाँ कि ऐसी ही गाड़ियाँ हैं, इससे VIP बस ये वाली VIP मॉडल खड़ा होगा। दूसरी साइड से बैठ गई, कोई हाल नहीं है। ये हमारे होटल से थोड़ी सी दूरी पे ही है, एक गली के साथ ही, ठीक है। और सामने रोज़ा मुबारक है, अब यहाँ से हमने क्रॉसिंग करनी है ज़ायर पर ज़ायबरा लाइन से। जी माशाल्लाह हम सहन में इंटर हो चुके हैं हरम मुबारक के, और वो सामने हरम मुबारक है, और ये बेगम जी चल रही हैं सहन में, ठीक है। इधर से जाना है छाँव वाली साइड से, तो छाँव तो लग गया, वैसे गर्मी तो नहीं है वैसे बेगम, रास्ता इधर से जाना है। चलो पानी पी लो, पानी पी लें यार सबसे पहले। जी बेगम जी पानी वगैरह पीने लगी हैं, ये जी ऑटोमेटिक सिस्टम ही लगाया हुआ है इधर माशाल्लाह, कली कली पी रही हैं यार, मैनू भी प्यार है यार। और पीने बस चले। चलो अच्छा मैं अब सलाम करने जा रहा हूँ और तुम ना लेडीज़ वाली साइड से जाओगी, तो वापसी में ना आपने इस पे आके बैठ जाना, ठीक है। तो फिर मैं अंदर से सलाम करके आऊँगा तो इधर आऊँ, ये ना हो कल की तरह मैं एक घंटा देर नहीं यार, वो नमाज वगैरह पढ़ ली कुरान पाक पढ़ना। चलो चलो इधर आके बैठ जाना, एक घंटा लग जाएगा। हाँ ठीक है, तो मैं भी सलाम करके इधर आके बैठता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है आप जाए, मैं भी इधर लेडीज़ वाली साइड। बाय बाय, खतीजा गई लेडीज़ वाली साइड पे और मैं जा रहा हूँ जेंट्स वाली साइड। ये जेंट्स वाली साइड पे है और ये लेडीज़ वाली साइड पे है। बहुत जूता जमा करवाया तो ये टोकन दिया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, इधर कोई पैसा नहीं है। और ये है सहन जी मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, और आगे चलते हैं ज़री मुबारक पे, वहाँ सलाम करते हैं और आपको भी सलाम करवाते हैं और वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। तो हाथ लग गया था तो थोड़ा सा वहम था, मैंने कहा चलो वज़ू वगैरह कर लेते हैं, दोबारा से यहाँ से वज़ू करते हैं। चलो जी इधर से हम इंटर हो रहे हैं, ये सोने के दरवाजे हैं। और यहाँ से हम ज़री मुबारक में जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमाज़ वगैरह पढ़ के अब चलता हूँ बाहर, पता नहीं खतीजा भी आई होगी कि नहीं, मैं तो फ्री हो गया हूँ नमाज़ पढ़ के सलाम करके, आपके लिए दुआ करके, अपने लिए दुआ करके चलते हैं बाहर। यहाँ से गेट से बाहर आते हैं, ये देखो कितने अच्छे बने हुए फनूस खूबसूरत। बाहर सेन में आ गया हूँ मैं, देखते हैं अब खतीजा इधर आ गई है कि नहीं, ये लोकेशन बताई थी दूसरी साइड पर इसकी, तो देखते हैं अभी आई है कि नहीं। ये मैंने लोकेशन बताई थी पर अभी तक बेगम साहिबा नहीं आई, अब वेट करते हैं यहाँ पे। लेट होगी हो ना यार, माशाल्लाह से इतना बड़ा क्या ये बना हुआ है। अच्छा सहन इतने चलते चलते थक गई होगी कि नहीं? भी गई हूं। अच्छा टाइम तो लगता है कम से कम 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट लगते हैं तो मैं भी तो 20 मिनट में सलाम करके आया यार। औरतों की साइड पे ना लेडीज की साइड पे रश काफी रश होता है। मैं पानी पीना था यार, पानी पियो मैं भी। बिस्मिल्लाह आजा यार आजा, पानी आ रहा है भाई जान। बस 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 ज़्यादा ठंडा है, बस यहाँ पे बैठ गई। हाँ ग्रोसरी लेके दे रही है, मैं फिर रोटियाँ वगैरह ले आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ओके अल्लाह। रोटियाँ लेके भाई जान पहुँच गए हैं लॉबी में और जा रहे हैं होटल अपने रूम में। ये लो जी रोटियाँ,
जी बेगम जी ने रोटी ली है, ठीक है, ये अंडा है, मायोनीज है, ये हमने खानी है, हमने खानी है, हमने खानी है यार, ये चाय वगैरह, मायोनीज वगैरह सारा कुछ है साथ।